सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, एक अध्यापक और एक संपन्न परिवार का शिष्य कहीं घूमने जा रहे थे। तभी इस शिष्य को कुछ मजाक सूझी क्योंकि उसे रास्ते में एक गरीब किसान का जूता दिखाई दिया और इसने अध्यापक से कहा, क्यों ना हम इस किसान के जूते को छुपा दें और फिर देखते हैं कि इस किसान को इससे क्या फ़र्क पड़ता है और हमें बहुत मज़ा आएगा यह सब देख के। तभी जो अध्यापक होते हैं उन्होंने अपने शिष्य से कहा, नहीं, हमें बिल्कुल भी किसी गरीब इंसान के साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। और उन अध्यापक ने कहा, क्यों ना हम एक काम करें, इस गरीब किसान के जूते में कुछ पैसे डाल दें और फिर देखते हैं कि इससे उसके ऊपर क्या असर पड़ता है और वो कैसे रिएक्ट करता है। दोस्तों, इन्होंने ऐसा ही किया और पास में ही एक जगह छिप गए। जब वो किसान अपना काम करके लौटा तो उसने जैसे ही जूते पे अपने पैर डाले तो उसने देखा कि जूते में कुछ कठोर सा महसूस हो रहा है। और उसने जब निकाले और जब उसने जूता देखा तो उसमें कुछ पैसे डाले हुए थे। तो उसने अपने पैसे अपने हाथ में लिए और जब उसने दूसरा पैर दूसरे जूते में डाला तो उसमें भी कुछ पैसे थे। उसने पूरे पैसे को अपने हाथ में लिया और उसने मन ही मन सोचा कि ये पैसे यहाँ पे कौन डाल के गया है मेरे जूतों पे, किसने ये पैसे छुपाए हैं। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने भगवान के ऊपर देखा और अपनी हथेली में वो पैसे रख के उसने कहा, जिस किसी ने भी ये पैसे छुपाए हैं मेरी उसको बहुत सारी दुआएं हैं क्योंकि इन पैसों की मुझे सख्त ज़रूरत थी। मुझे इस पैसों से अपने घर में बच्चे और पत्नी के लिए खाना ले जाना था, साथ में कुछ ज़रूरी दवाइयां ले जानी थी जिससे मेरा पूरा काम हो जाएगा। हे भगवान, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको, साथ में उस इंसान को जिसने भी यहाँ पैसे रखा है, वो बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे और हमेशा वो प्रसन्न रहे क्योंकि उसने मेरी मदद की है और वो हमेशा खुश रहे। अब ये सब बातें वो अध्यापक और शिष्य वहाँ पे सुन रहे थे। तभी अध्यापक ने उस शिष्य से पूछा कि अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी तरकीब में तुम्हें ज़्यादा आनंद मिलता और या तो जो मैंने तरकीब तुम्हें बताई उससे तुम्हें ज़्यादा आनंद मिला। दोस्तों, उस शिष्य ने अपने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, मैं आपकी बात समझ गया कि सच्ची खुशी किसमें है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें थोड़ी समय के लिए आनंद जरूर मिलता है लेकिन इससे हमें बददुआ मिलती है, लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं भलाई उसे पता हो या ना हो कि किसने उसकी मदद की, लेकिन अंदर ही अंदर हमें तो पता होता है कि हमने उसकी मदद की जिससे हमें सच्ची खुशी मिलती है। मैं समझ गया कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। सो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें खुद हमेशा खुश रहना चाहिए और साथ में खुशियाँ बांटती रहना चाहिए, जितना भी हो सके लोगों की मदद करना चाहिए क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली होती है। हमेशा ये जरूर नहीं होता है कि आप किसी को पैसे ही दान दें, आपसे जो भी बन सके आप उतना, आप जितने के काबिल हैं वो दान करें। ये जरूर नहीं कि आप पैसे ही दान करें, हर किसी इंसान को पैसे की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है किसी को आपके सहयोग की ज़रूरत हो, आपके साथ खड़े रहने की ज़रूरत हो या आपके एडवाइस की ज़रूरत हो, लेकिन जो भी आप करें, जो भी लोगों की मदद करें वो निस्वार्थ भाव से करें, अनकंडीशनली करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं, ये थॉट है और ये रियलिटी भी है कि जब आप किसी की खुशी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना तो ये पूरी कायनात आपकी खुशी के लिए काम करने में लग जाती है। सो इस कहानी में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी ऐसी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो मिलते हैं एवरी संडे मॉर्निंग 7 AM पे एक नई बेहतरीन स्टोरी के साथ और साथ में बाकी दिनों पे हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बाकी वीडियो अपलोड होते रहेंगे, लेकिन एवरी संडे मॉर्निंग 7 AM पे एक बेहतरीन स्टोरी जरूर इस चैनल पे आएगी।